राजधानी के चौमू कस्बे में 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली भगवा वाहन रैली का विरोध बढ़ने लगा है और इसी कड़ी में हिंदू नववर्ष समारोह समिति की ओर से गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रैली के आमंत्रण के लिए झांकियां निकाली गई। झांकी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पीए वाले कुएं पहुंची, जहां समुदाय विशेष के लोगों ने झांकी का रोक लगाया और साथ ही झांकी रोकने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और मौके पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात करना पड़ा। वहीं तनाव के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी पथराव हुआ, जिसमें 3 पुलिसकर्मी सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं पत्थरबाजी के बाद अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। समुदाय विशेष के लोगों ने झांकी को रोका और उसके बाद विरोध बढ़ गया। ये विरोध इतना बढ़ा कि लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की, 3 पुलिसकर्मी सहित स्थानीय दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। एडिशनल कमिश्नर राज्यपाल लांबा भी मौके पर पहुंचे स्थिति का जायजा लेने के लिए और ये विवाद भगवा रैली को लेकर उठा है। तनाव के दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ, जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर घायल हो गए और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता आशीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आशीष, इस वक्त चौमू में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा कि चौमू में तनाव का माहौल बरकरार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव चौमू पहुंचे हैं। विधायक रामलाल शर्मा मौके पे मौजूद है। दोनों पक्षों में समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कोई स्थिति पर नियंत्रण होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि हिंदू नववर्ष की रैली यहाँ पर निकाली जानी थी, उस मार्ग को लेकर के गतिरोध बरकरार था और आज उस रैली के निमंत्रण के लिए एक झांकी निकाली जा रही थी। उस झांकी पर कुछ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पथराव किया गया, जिसके बाद से तनाव का माहौल चौमू में बन गया है। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता चौमू में तैनात किया गया है और घटना के बाद उपजे तनाव के चलते चौमू के बाजार बंद हो गए हैं और अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन ने धारा 144 चौमू में लगा दी है और स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जी, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है और पत्थरबाजी पुलिस कर्मियों पर भी की गई, 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और साथ ही स्थानीय आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए, क्या ये संख्या और भी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पथराव की घटना 2 बार हुई है और एक बार जब पुलिस ने मोर्चा संभालने का प्रयास किया तो इस दौरान पुलिसकर्मी भी पथराव के दौरान चोटिल हुए हैं। 3-4 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, साथ ही साथ उस मार्ग से गुजर रहा था एक मोटरसाइकिल सवार, उनको भी इस पथराव का सामना करना पड़ा और इसी दौरान कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने कुछ धारदार हथियार से वार किया, जिससे उसके हाथ पे चोट लगी है, उसको गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। पूरी स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। अभी जो वार्ता हुई है उस वार्ता में 1 घंटे का समय मांगा गया है कि 1 घंटे के बाद इसी मार्ग से वो झांकी निकाल दी जाएगी। इस बात को लेकर के अब 1 घंटे का इंतजार किया जा रहा है कब वो झांकी निकाली जाएगी, उसके बाद मामला शांत होता है या फिर स्थिति और बेकाबू होती है। जी।